वेलकम गाइस आईटीएल पर वीडियो में वीवो का फोन। अगर इसमें अगर आपकी जो हैंग टच की प्रॉब्लम आ गई है तो आप कैसे शॉर्ट आउट करेंगे मैं बता देता हूँ। बहुत इजी है, सेम तरह से प्रोसेस करेंगे तो आप इजीली जो है इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर लेंगे। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर गलती से आपकी जो है ये प्रॉब्लम हो गई है, फेस आउट हो गई है, तो आप कैसे शॉर्ट आउट करें मैं बता देता हूँ। बहुत ईजी है, बस आपको स्टेप फॉलो करना है। अभी हम जो ये टच चला रहे हैं, ठीक है, ये टच में जो है ये सिर्फ बॉक्स बना हुआ आ रहा है और कोई एक्शन इसमें जो है वर्क नहीं हो रहा और ये जो है कुछ ना कुछ बोले जा रहा है जो कि इरिटेट करता है। ठीक है, तो ये गलती से ये जो मेन चीज़ होती है ब्लाइंड लोगों के लिए होती है, जिनको दिखाई तो देता नहीं तो वो सुन सुन के जो है प्रोसेस कर रहे होते हैं। तो ये प्रॉब्लम आप कैसे शॉर्ट आउट करेंगे मैं बता देता हूँ। बहुत ईजी है, इसमें आपको जो है टू फिंगर का यूज़ करना है और आपकी टच जो है वर्क करने लगेगी। ये देखें, सेटिंग वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद डबल प्रेस करना है, ये ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अब नीचे जाएंगे, आप सिंगल फिंगर से करेंगे तो ये काम नहीं करेगा, आपको टू फिंगर से वर्क करना। यहाँ पे आपको जाना है एक्सेसिबिलिटी के अंदर, इस वाले ऑप्शन पे जाएंगे, सिलेक्ट करके डबल प्रेस कर देंगे। ठीक है, अब ये ऑप्शन आ गया। अब नीचे यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन है, सिलेक्ट करके डबल प्रेस कर देंगे। ठीक है, ये ऑप्शन आ गया। अब ऊपर आप देखेंगे एक्सेसिबिलिटी मेन्यू ऑफ है हमारा, और सिलेक्टिंग स्पीक भी ऑफ है, स्विच एक्सेस ये भी ऑफ आ रहा है, टॉल बैक जो है हमारा ये ऑन है, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे डबल प्रेस, सिलेक्ट करके डबल प्रेस। ये स्टॉप का ऑप्शन, स्टॉप, तो यहाँ से ये प्रॉब्लम हमारी सॉर्ट आउट हो गई और टच हमारी प्रॉपर वर्क कर रही है। ठीक है गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।